जी दोस्तों, खैरियत से दुबई लैंड कर गया हूँ और बस अभी जा रहा हूँ। मेरा है गेट A21, वहाँ जाऊँगा अभी और फिर वहाँ से आई विल टेक माई फ्लाइट फॉर टर्की। टर्की के लिए फ़्लाइट लेंगे और इस वक्त मौजूद हूँ दुबई के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अच्छा है, बड़ा है, पैदल चलना पड़ता है, तो आ जाए मेरे साथ, जर्नी इंजॉय करते हैं। जी दोस्तों, खैरियत से पहुंच चुका हूं, इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां मेरा ले ओवर है 3 घंटे का और 3 घंटे बाद आई विल टेक माई फ्लाइट फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट टू इस्तांबुल। इस्तांबुल चलेंगे और इस जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त मौजूद हूं एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, व्यू आपको चेक कराते हैं। ये मेरे मोबाइल्स चार्ज हो रहे हैं। बस जी, सफ़र अच्छा था, बेहतरीन रहा और फ्लाइट बहुत ज़बरदस्त थी और एमिरेट्स से ये मेरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे बाद मेरा एक सफ़र रहा एमिरेट्स के साथ, जो कि बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं कतर एयरवेज़ और थाई एयरलाइन, तो इन ज़्यादातर मैं इनके जो है थ्रू जो है वो ट्रैवल करता हूँ बस। और वेदर यहाँ पर गर्म है दुबई में इस वक्त, तो बस वेट कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं टर्की और टर्की की रातें और टर्की के दिन। सुना है वहाँ पे काफ़ी ठंड है, काफ़ी सर्दी है और स्नोफॉल भी है, तो एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आ जाए मेरे साथ, कनेक्ट रहिएगा। Doors are closing. Please keep clear of the doors. And the rule of thumb, usually if you have. अक्सर दुबई एयरपोर्ट पर भी गलतियां हो जाती हैं। मेरा था गेट नंबर B21 एंड आई वॉज सिटिंग ऑन A21, तो अभी जा रहा हूँ, आ जाए। जी भाइयों, मैं गलत गेट पे पहुंच गया, मेरा गेट था B21 और मैं A21 पर घूम रहा था। अच्छा हुआ मैंने किसी से पूछ लिया, तो अच्छी बात है, इंसान को पूछ लेना चाहिए, काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको चीज़ों का पता चलता रहता है। खैर आ जाएं, इंजॉय करते हैं। जी दोस्तों, बोर्डिंग भी हो गई और इस वक्त जहाज़ के अंदर बैठ रहे हैं और यहाँ से आई एम गोइंग टू टेक माई फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू इस्तांबुल। और ये सिचुएशन, जहाज़ ये खड़ा हुआ, आई थिंक 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट है, उम्मीद करता हूँ सफ़र अच्छा रहेगा। मेरी नाप भी हाई कह रहे हैं मेरे फॉलोवर्स को, मेरे व्यूवर्स।
जी दोस्तों, सबको सलाम। तैमूर जाफर की तरफ से, अल्लाह की करम से, खैर खैरियत से मैं इस्तांबुल पहुंच चुका हूं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं इस वक्त, और अब इस्तांबुल एयरपोर्ट से जा रहा हूं, अपना लगेज कलेक्ट करूंगा, फिर अपने होटल जाऊंगा, वो जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगा, और जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। फ़्लाइट वॉज अमेजिंग, और एमिरेट्स की सर्विसेज यार कमाल थी, मज़ेदार थी। फिर एक जो एयरलाइन में इंसिडेंट हुआ वो भी शेयर करूंगा आप सबके साथ। तो आ जाएं, लगेज कलेक्ट करते हैं। और जी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा बैग, और जी ये बैग हमारा आ गया। आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? मुझे पता था मैं मेरी क्या कमिट करेंगी आप, टर्की पहुंच गई हैं, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पीपल आर सो भाई भाई मैरीन के व्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे साथ बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, मैं आप सबके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। मेरा बैग टूट चुका है इस वक्त, और उस बैग में काफ़ी मेरे पैसे भी मौजूद थे। तो ये जर्नी में आई विल शेयर विद यू, पहले मैं होटल पहुंच जाऊं, फिर मैं शेयर करूंगा। लेकिन मैरीन आपको पसंद आया ना? नहीं पसंद आया मुझे जी दोस्तों, वेलकम बैक फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, और इस वक्त मौजूद हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। और मैरीन कैसा एक्सपीरियंस है? तो भाई इस वक्त मैरीन बेचारी घूम रही है, और जिन्होंने आना था लेने के लिए इनको उनको ढूंढ रहे, और यहाँ पे मुझे अभी तक सिम नहीं मिली। और ठंड मस्त वाली ठंड है भाई, मस्त वाली ठंड है। और भाई इंग्लिश यहाँ पर किसी को नहीं आती, मैं आपको वापस की बात बताऊँ, 99% पीपल दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन टर्की, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सो आई व्हेन यू कम टू टर्की, सो अपनी करेंसी चेंज करवा लीजिएगा, सिम वगैरह ले लीजिएगा, नहीं तो ज़रीरो ख्वार हो जाएंगे। आ जाएं जी, चलते हैं अपने होटल, वहाँ पर आपसे गपशप लगाएंगे। जी भाइयों, जलील हो रहे हैं इस वक्त इस्तांबुल में, और इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, कहीं पर भी सिम नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश ही नहीं आती किसी को। सो हाउ आई वुड बी एबल टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन टू एनीवन, तो बड़ा मुश्किल है। अभी किसी ने मुझे कहा फर्स्ट फ्लोर, तो महरीन को मैं वहीं खड़ा कर दिया लगेज के पास, मैंने कहा बैगेज वगैरह संभालूँ, जो ऊपर आया हूँ यहाँ पर सिम बाय करने। जी दोस्तों, बस उतरने के बाद अभी पहुँचा हूँ, और बड़ी ही जलालत हुई, बहुत जलालत हुई, सब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अभी पहले मैं होटल पहुंचता हूं, फिर आपको बताता हूं कि क्यों मैं कहता हूं ऑल द टाइम कि सिम आपको लेनी चाहिए। अब बताता हूं आपको होटल चल के। जी दोस्तों, खैरियत से इस्तांबुल पहुंच गए हैं, तकसीम स्क्वायर पर मौजूद हूं, और टैक्सी ड्राइवर ब्रदर साथ हैं, और अभी मुझे ये मेरे होटल लेके जा रहे हैं, वहाँ जा रहा हूँ। यार अच्छा है, साफ़ सुथरा है, सुबह रिव्यू दूंगा अच्छा सा इसका, लेकिन यार बहुत प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट से बाहर आकर आपको सिम नहीं मिलेगी। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और हमेशा खुद ही लेना भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से हमेशा मैं इस प्रॉब्लम का शिकार होता हूँ। क्योंकि इस वक्त जब मैं पहुँचा हूँ, तो यहाँ रात के क्या टाइम हो रहा है इस वक्त, 1:30 मतलब 1:30 बज रहे हैं पाकिस्तान के, सॉरी यहाँ के, पाकिस्तान में 2 घंटे आगे है, तो टाइम होगा तकरीबन 3:30 या 4:15 हो रहे होंगे। तो बस जी भूख भी लगी है, होटल पहुंचते हैं, सिम भाइयों ले लिया करो, सिम ले लिया करो जलालत से बचने के लिए। हमेशा मैं सबको मशवरा देता हूँ, और मैं ही नहीं ले पाता सिम। तो जी पहुंचते हैं, क्योंकि सिम का बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अभी भी बस में जो था, एक लड़के ने बड़ी मदद कर दी, टैक्सी वाला तो आपको पता है वहाँ से एयरपोर्ट से लूट रहा था मुझे, मैंने जैसे कि बताया टैक्सी वाला मुझसे मांग रहा था
$40 मतलब पाकिस्तानी 11,000-12,000 रुपये एयरपोर्ट से थी स्क्वायर के। तो मैं बस में सबके साथ आ गया, सो आई पेड देम 85 लीरा, 85 लीरा जो पाकिस्तानी 1,100-1,100 रुपये बनते हैं। तो मैं उसमें इजीली मैं बस पहुंच गया तकसीम स्क्वायर। तो अब ये ड्राइवर के साथ, भाई के साथ, टैक्सी वाले के साथ बस अभी जा रहा हूँ तकसीम स्क्वायर। सिम की मुझे वाकई सिम की कदर है वाकई भाई, क्योंकि आप जो है ना ऑल द टाइम यू रिमेन इन टच विद एवरीथिंग ना, चाहे आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत हो, गूगल मैप की ज़रूरत हो, सो इजीली यू कैन गेट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। तो आज है मेरे साथ ये ख्वारी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था जो मैंने की। तो अब जाके देखता हूँ, अगर मैं थका हुआ नहीं हुआ, वैसे थका हुआ तो हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ रात भी शेयर करूँगा, यहाँ की नाइट लाइफ भी शेयर करूँगा, लेकिन यार काफ़ी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। पहले मैं होटल पहुँचूँ, थोड़ा फ्रेश हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ।